लोकशक्ती न्यूज नात विश्वासाच। या बातमीचे प्रायोजक आहेत कायनेटिक ग्रीन निदा ईव्ही इलेक्ट्रिक बाईक सोलापूर। सोलापूर शहराला स्मार्ट सिटीचा मुखवटा चढवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी सोलापूर शहरातील बराचसा भाग आज देखील अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे। त्यामुळे अशा प्रतिकूल परिस्थितीत नागरिकांना अनेक सार्वजनिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे। याला लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे दोघेही जबाबदार असल्याचं सिद्ध होतं। कारण ज्या परिसरात ड्रेनेज लाईन येऊन सुद्धा त्या परिसराला उघड्या गटारींचा विळखा असेल तर याला काय म्हणावं। नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रारी करायच्या, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर उत्तरे द्यायची, नागरिकांनी सहन करत राहायचं आणि निवडणुका आल्या की मते मागायला गल्लोगल्ली हात जोडत फिरायचं। या दुष्टचक्रातून सोलापूर कधी मुक्त होईल देव जाणो। आपल्या वार्डाचा विकास करण्याची जबाबदारी ही नगरसेवकांची असते, पण नगरसेवक जर टाळाटाळ करत असतील तर विकास होणार कसा असा प्रश्न निर्माण होतो। हा आहे सोलापुरातील नई जिंदगी परिसरातील शिवगंगा नगर भाग 3 चा परिसर। रस्त्याच्या मधोमध तुंबलेल्या उघड्या गटारी, खराब रस्ते, डासांचा उपद्व्याप, पावसाच्या पाण्याचा घरात शिरकाव, शेजारीच असलेल्या पारशी विहिरीच्या कंपाऊंडमधून येणारे साप आणि विंचू, आणि विशेष म्हणजे शेजारीच असलेल्या डॉक्टर झाकीर हुसेन समाज मंदिरातून वाहत असलेले सांडपाण्याचे पाट, अशा अनेक समस्यांमुळे या परिसरातील नागरिक जीव मुठी धरून जीवन जगत आहेत। संबंधितांकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रत्येक वेळी आश्वासनाशिवाय काहीच मिळालं नाही अशी या परिसरातील नागरिकांची तक्रार आहे। 15 दिन को 3 दिन को 2 दिन को साफ निकलते हैं छोटे छोटे बच्चे, कितना बोलने के बाद भी कोई नहीं। अधिकारी यहाँ जमादार को जाकर बोलने के बाद पाठून देता हूँ मतलब आते बाद भेजता नहीं। जब भी अगर भेजेंगे तो ये घास काटने को हमारा चाय पानी वाला पैसे दिले और काट देना तो काटत नहीं। अजीबात वारंवार सामने सुनता का होत नहीं आता तेने शब्द वापर लो हाँ मतलब आपस में झगड़े चालू हाँ, चालू रहते। कोई नगर से आते आता नहीं, देखता नहीं, मेंबर कौन आते नहीं करते नहीं, लेकिन खाली आश्वासन देते भरोसा देते तो कोई इंसान नहीं है। भरोसे का काम है इंसान। अभी आप हम 30-35 साल हो गए परवा नन्हे से बच्चे 5-5 साल के 2-2 साल के थे। भरोसे का काम का दूसरा कुछ नहीं है। तो घर में पानी जाता पूरे हमें बिचारे में उठ के बैठा मैं पूरा गटर का पानी घर में अंगन में सो। मग तुम्ही कुठं तक्रार केली नाही का? तक्रार केलं का किती वेळा तर काळा गटारा म्हणलं तर येते गटारे तो वाढव काळा काढून जाते चा पाणी पाणी तिथेच घेऊन जाते एवढंच बरोबर आहे। म्हणजे सगळं भांडणाचं मूळ आहे अच्छा। मग इथं कोणी येत नाही अधिकारी नगर सेवक वगैरे? पण असं परमंटली असं काम झालेलं नाही, ड्रेनेजचं काम झालेलं नाही, गटारीचं काम झालेलं नाही। बरं आता निवडणूक येणार आहे, या निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही त्यांना काय आव्हान करू इच्छिता, काय सांगू इच्छिता त्यांना नगरसेवकांना? एवढंच करतो की स्वच्छता आमच्याकडे ठेवावी। बरं एवढंच आव्हान त्यांना। एक साल पहिले ये करे ड्रेनेजची लाईन का असते लेकिन ना ये ऐसा गटार का कर को गए ना, इसके बाद आते ना जाते ना क्या चले, इसके वजह से हमारे सास का इंतकाल हुआ। टेंशन ले लेगा हाल वाले को बोले, गली वाले को बोले, एक जन भी सुनने को तैयार नहीं। हमारा घर जरा नीचे है, पानी हमारे घर में सब आता पूरा अंदर तक। नगर सेवक के घर को 10 बार जाकर चक्कर मारे से सापा तो हमारे घर में इतने सापा आ रहे से लगातार चालू है महीने में 8 दिन में 15 दिन में रात में गए एक शाम से। मगर ये गटार की वजह से हमारे सास का इंतकाल हुआ। टेंशन ले गो मेंबर आगो सर पर हाथ रखो गया मगर उसके बाद क्या एक साल से अभी तक उन्हें मुंह दिखाया नहीं। इधर कौन से मेंबर है? परवीन इनामदार आए थे इधर लेकिन काम नहीं करे। नहीं करे बाबा, पहले गटार का तो काम हमारे पास करन दे। पूरा पानी हमारे घर में आ रहा है गटार का पानी, काला काला पूरा हमारे घर के अंदर जाको देखो। इनके घर में जाता इतनी तकलीफ है हमारे को, पूछने की बात नहीं है। भरता पूरा है सजा ना, वो हाल वाले को टेंशन है ना, उधर घर वाले को टेंशन है, किसको टेंशन है, खाली ये इधर गली वाले को टेंशन है। सब यहाँ हाल के पूरे चावल आपको ठहरते, सब दालचे का पानी आपको ठहरता, कौन सा मेंबर आपको देखता नहीं क्या देखता नहीं। दालचा चावल सर गली से और उतारा है सब हमारे घर पास आता है, उतारा डरता बोले ना कौन, ये उनका सब ज्यादा तो उनका है।
हाल वाले का है, तीन आते नहीं हमें साफ करना पड़ा। हमें सब वही तो इसका बाप हूँ, मुझे तो मेरा जान जलती मेरी। नहीं इसमें जोन ऑफिस में जाके मेंबर के पास तकरार नहीं करे तुम? करे जा, करे करे कितने बार तकरार करने का? तकरार एक बार करते, दो बार करते, फिर तो हमारे पांव दुख रहे थे। मगर उनको क्या, मेंबर को कैच नहीं है। अच्छा, अभी उन्हें मत यहाँ मांगने आए थे, फिर उसको देखते हमें क्या करने का। तकरार कौन है, तकरार करने लग पड़ते हैं। हाँ, मालदार दिन तकरार के लिए थी। काय त्रास तुम्हाला आणखीन? आणखीन काय गटर येतं कसं, काय सोयीत नाही का आम्हाला? गटर तुमच्या सारखी म्हणजे ओपन गटर येत, त्याचा त्रास होतो तुम्हाला? त्याचा त्रास, ढास। माझे दोन दोन नातवाला निकट डेंग्यू झाला होता। मग तुम्ही तक्रार कुठे केली का? केली की कॉर्प मेंबर कडे। काय म्हणतात ते आपले काय नव्हते, काय म्हणतात ते करायचं करायचं, दोन महिन्यात होईल, तीन महिन्यात होईल, असलेच आश्वासन आहे। ड्रेनेज लाईन खोदली आली, म्हणजे तुमच्या परिसरामध्ये रस्ते नाहीत, ड्रेनेज लाईन नाही, ड्रेनेज लाईन नाही, ओपन गटर आहेत पूर्ण टोटल, आणि ते पण त्याचं गटारीचं पण बांधकाम झालेलं नाही। बर, हाँ, इधर कोई ध्यान दे रहा नहीं, नगर सेवक भी आ रहा नहीं, और इधर सापा बिछवा निकल रहे, इधर हाल है, हाल का भी आ रहे, कोई ध्यान दे रहे नहीं। इतने मच्छर विच्छर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ध्यान दे रहे नहीं। रात को भी सापा निकल रहे, दिन को भी निकल रहे, पानी तो इतना आ रहा, इतना घास उठ को बैठे रहे, कोई ध्यान दे रहे नहीं। तो ऐसा कोई नगर सेवक भी आपको कोई देख रहा नहीं, बोले तो भी कोई ध्यान दे रहे नहीं। ये कौन है इसका जवाबदार बोलो? मतलब इसकी तकरार कहाँ करेगा तुम इसके पहले? इसके इससे पहले तकरार ये नगर सेवक का सामने दस दस बार गए तो कोई कर रहे। कौन से नगर सेवक पास गए? नगर सेवक ये है अन्ना, अन्ना हारून। हाँ, क्या हारून? अच्छा, हाँ मैडम है सो, उनके पास भी गए तो इनामदार आतो आतो बोलते, आते नहीं, देखते नहीं, क्या नहीं। नगर सेविका परवीन इनामदार के पास आप गए थे, क्या बोले उन्होंने? बोले आते हम देखते, बोलते आगो ठहरे ठहरे देखते जाते, आते नहीं, करते नहीं, कोई करते नहीं। नहीं ऐसे लेखी तुम उनको कुछ दिए क्या? क्या खाली सा बोले? वो काम चालू था, इधर काम करते करते रुका को छोड़े उन्हों, अभी यहाँ तक करे, कौन तो तकरार करे, बोले वो कंट्राटदार क्या करे, ए, नहीं बोले नहीं करने का, बोले बुलडोजर नहीं चलता, वो नहीं चलता, बोल के ऐसा रुका है, दो चैम्बर बनाए, इधर आगे बनाने का था और दो चैम्बर नहीं बनाए, ऐसी नहीं ऐसी पड़ने वाला है, कोई करने वाला नहीं, बोल के कंट्राटदार निकल को गया। फिर हम किसको उसको जा रहे तो बोल रहे तो कोई सुन रहा था। नल भी वैसा तोड़े थे, नल अभी तोड़े, वो तोड़े सब, ये तोड़ को रखा गया, कैसा वैसा जुड़ा को रखो, पानी भर रहे, इतना घान है ना, पूछो न को, अभी देखो कितने मच्छर है, कीड़े हैं, देखो देखो बड़े बड़े चावल के बने से कीड़े। हाँ, हाल के पीछे का एकदम जाकिर हुसैन हाल के पीछे बाजू में, हिंदुस्तान बेकरी के पीछे बाजू में, फारसी बोड़ी के दीवार के बाजू में, और सब मैदान है, सब सापा बिछवा, इतने रोज निकल रहे सापा, बोले क्या तो हुआ, तो इसका जवाबदार कौन है बोलो? कोई भी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। हाँ, बोले तो हाँ 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 कहते, अभी इलेक्शन भी आया, अभी इलेक्शन के पहले तो भी कौन तो कौन करना, बोल को हमारी एक आस है, कोई ध्यान ही दे रहा नहीं, तो फिर मतलब क्या है, क्या हम रहना है, क्या जाना है, मरना, बीमारी हो को मरने लगे। सबसे बड़ी समस्या है ये खुली गटा। नागरिकांच्या बोलण्यावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून हा परिसर विकासापासून वंचित असल्याचं स्पष्ट होतं। ही बातमी पाहिल्यानंतर नगरसेवक आणि अधिकारी मनावर घेतील की इथल्या नागरिकांना असेच वाऱ्यावर सोडतील, याकडे लोकशक्ती न्यूजचे लक्ष असणार आहे। या परिसरात लोकशक्ती न्यूजचे प्रतिनिधी पुन्हा येतील आणि परिस्थितीचा आढावा घेतील। तोपर्यंत पाहत रहा लोकशक्ती न्यूज, नातं विश्वासाचं।